मुक्त अरण्य तक कैसे होती है? वृद्धों सुबह राम के नाते भगवान के नाते सबको नमस्कार है। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, ये बात हम लोग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, पर दिल में बैठते नहीं है। कुछ सावधान रहना चाहिए। एक सुनार के पास कोई ग्राहक आया। सुनार ने अपने बच्चे से कहा कि देखो तिजोरी में सोना रखा है, ले आओ, ग्राहक के हाथ बेचना है। बच्चा गया, तिजोरी उलट पलट के देखा, आके बोला, पिताजी तिजोरी में तो सोना नहीं है। है बेटा, अंधी है। अब चलो, दोनों गए तिजोरी पर, तो बच्चे ने कंगन निकाला। पिता ने कहा, देखो ये सोना है। बोला, सोना नहीं है, ये तो कंगन है। पिता ने फिर कड़ा निकाल के दिखाया। बच्चे ने कहा कि ये सोना नहीं है, ये तो कड़ा है, ये बाजूबंद है, ये हार है, सोना तो है ही नहीं, ये तो सब तरह तरह की चीजें रखी हुई है। तो है तो सब सोना, लेकिन पहचान नहीं। सबके भीतर भगवान है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भगवान न हो। जैसे सब देखते हैं, नाक ऐसी, आंख ऐसी, कान ऐसा, हाथ ऐसा, पांव ऐसा, रंग रूप ऐसा, ऐसा ये भी क्यों नहीं देखते कि इसमें चेतन ऐसा। जितनी जड़ वस्तुएं दिख रही हैं, उनमें चेतन भी तो आखिर है। तो सावधान रह करके केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त। सांस कैसी चल रही है, एक बार नाभि पर से निकलती है, भाव के ऊपर जाती है, फिर नाक के रास्ते निकल के बाहर आती है, अपनी गंदगी छोड़ के और साफ वायु लेकर के फिर उसी रास्ते भीतर जाती है। वो कौन बैठा है जो हमारी सांस को बाहर भेजता है और भीतर खींचता है? तो है
आप देखें आपके भीतर से कौन देख रहा है, ये किसका झरोखा है जो इसमें से झांक रहा है, वो कौन है जो कान से सुन रहा है, वो कौन है जो जीभ से बोल रहा है। ईश्वर जो है सबके हृदय में बैठा हुआ, सबको निचा रहा है। कागभूषुंडी जी को जब श्राप दिया गया, मोमशी ने श्राप दिया, तो कागभूषुंडी ने यही कहा प्रेरक रघुवंश विभूष, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, इनके हृदय में प्रेरक के रूप में मशीन चलाने वाले का दोष हो सकता है, मशीन का कोई दोष नहीं है, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूष। तो जो हार में आपकी आंख केवल हाथ तक ही न देखे, पांव तक ही न देखे, वहां पहुंच जाए जहां से पांव हिलते हैं, जहां से हाथ हिलता है, जहां से सांस चलती है, जहां से आंख देखती है, वहां तक उस गहराई तक जब आपकी दृष्टि जाने लगेगी, सदगुरु भगवान के दर्शन होने लगेंगे। तो जिस शरीर से सदगुरु की प्राप्ति हुई है, परमात्मा प्राप्ति हुई है, उस शरीर के प्रति अपना कृतज्ञता कैसे प्रकट की जाए? उस शरीर को परमात्मा की सदगुरु की सेवा में लगा दिया जाए, यही कृतज्ञता है। और सेवा क्या है? पांव दबाने का नाम सेवा नहीं है, न पानी भरने का। उनके विचार में अपना विचार, उनके संकल्प में अपना संकल्प, उनकी पसंदगी में अपनी पसंदगी, यही सेवा है। सेवा अपने मन की पसंद नहीं है, जिसकी की जाती है उसकी पसंद है। तो जिस सदगुरु के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई है, या जिस भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हुई है, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना, यही भगवान की सेवा है। सत्संग में योग्यता अलग अलग होती है, आपने कहा स्त्रियों में गर्भ ग्रहण करने की योग्यता, पुत्रों में रखवाली करने की योग्यता, तो क्या हर व्यक्ति में भी अलग अलग योग्यता होती है? और इस योग्यता को किस प्रकार, उस योग्यता को आपने जीवन में कैसे उतारा? देखो, हम एक महात्मा के पास जाया करते थे,
तो कहते थे कि जब कोई जिज्ञासु आता है और शरण ग्रहण करता है गुरु की, तो गुरु उसका ध्यान करता है और ध्यान करके देखता है कि पूर्व पूर्व जन्म में उसने कौन सी साधना कहाँ तक की है, कि जहाँ तक वो पहुँच चुका है उससे नीचे की साधना उसको बता देंगे तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा, और यदि उससे बहुत ऊपर की साधना उसको बता तो कई बार कोशिश करेगा, हाथ मारेगा तो मैं पकड़ लू पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमारे अंदर क्या योग्यता है इस बात को कोई भी अपने आप नहीं समझ सकता। अपने में अच्छाई दिखती है क्योंकि परमात्मा आत्मा सामने है, तो अपनी बात ही सबको अच्छी लगती है। मुझे कभी तक कहीं लागन नहीं का, तो स्वयं कोई अपनी योग्यता को समझने का प्रयास करता है तो उसमें अपने अहम भाव की जो वासना है वो जुड़ जाती है, अपना अहंकार जुड़ जाता है और वो अपने को बड़ा समझने लगता है। हम किसी तरह समझते हैं, उतना ये क्या समझते है। कहीं कहीं तो ऐसा देखने में है कि शिष्य जो है वो कहता है कि गुरु जी हमारे ब्रह्म ज्ञान की बात बहुत अच्छी समझते हैं, भक्ति की बहुत समझते हैं, लेकिन अमुक विषय की बात ये बिल्कुल नहीं समझते हैं, बड़े भोले हैं, ठगे जाएंगे। और गुरु जी तो ठगे जा चुके हैं, जो सारे संसार को ठगाया नहीं है, जो सारे संसार को छोड़ नहीं चुका है वो सदगुरु कैसा है। वो तो ये चीज इतनी महत्व की है, ये चीज इतनी महत्व की, इसी में फंसा हुआ है, वो उसमें से कैसे निकल सकता है। इसलिए अपनी योग्यता को समझने के लिए ऐसा संत सदगुरु चाहिए जो उसके इस जन्म की ही नहीं उसके पूर्व जन्म की वासनाओं को, संस्कारों को, स्थितियों को, गतियों को समझ सकता है, और ये कठिन नहीं है। यदि कोई ध्यान दे ये बात बहुत जल्दी आ सकती है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि आदमी कोयले के खदान में से निकल के आता है तो पता चल जाता है कि वहां से आ रहा है, और रूई के गोदाम में से निकलता है तो पता चल जाता है कि रूई के गोदाम में से आ रहा है, क्योंकि रूई के रेते से और कोयले के कण उसके ऊपर लगे रहते हैं। इसलिए कोई आदमी चाहे कि हम अपने को बिल्कुल छिपा लेंगे तो छिपा नहीं सकता। खाने के बाद डकार लेते हुए और पेट पर हाथ फिराते हुए बस निकलते हैं, आज तो ब्रह्मानंद आ गया, तो
ऐसे ब्रह्मानंदी लोग जो है उनका पता देखते ही लग जाता है कि उनको कहां ब्रह्मानंद आता है, बल्कि कर देते हैं जा भाई तू इसी में ब्रह्मानंद ले और भेज देते हैं जाओ तुम इस ब्रह्मानंद को लूट के आओ। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का महापुराण तीर्थवी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। वैष्णवों के आराध्य विष्णु की महिमा तो विष्णु पुराण में ही है, फिर ये वैष्णव पुराण क्यों? इन दोनों पुराणों में क्या दर्शन है इसे कृपया स्पष्ट करें। असल में विष्णु और भगवान ये दोनों दो चीज नहीं है, एक जगह उनका नाम भगवान है, एक जगह उनका नाम विष्णु है। एक ही सर्वव्यापी तत्व है, उनके नाम ही दो हैं वो एक ही। विष्णु पुराण का भी यदि चिंतन करेंगे हम तो ऐसा कह सकते हैं बुरा न माने कि जिसने विष्णु पुराण नहीं पढ़ा है वही विष्णु पुराण में और भागवत में फर्क मानता है। बिल्कुल एक ही बात दोनों में है, बल्कि विष्णु पुराण में ही ये भगवत शब्द की भगवान शब्द की व्याख्या आई हुई है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म से यश श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चापि शरणाम भगैती रणा, ये जो भगवान शब्द की व्याख्या है वो तो विष्णु पुराण में ही आई है। तो ये पद्धति है अपने पुराणों की कि एक ही परमेश्वर का अलग अलग नाम लेकर के वर्णन करते हैं कि कहीं आदमी इस चक्कर में पड़ जाए, एक ही नाम भगवान का है, एक ही रूप भगवान का है। यदि एक ही रूप भगवान का इस चक्कर में पड़ जाएगा तब तो लाठी चलाएगा कि मस्जिद में भगवान नहीं रहते हैं, मंदिर में ही रहते हैं, राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी रूप में भगवान है, चाहे वो शालग्राम की भोली हो और चाहे शिव भगवान का लिंग हो, चाहे देवी की मूर्ति हो, चाहे हाथी का सिर हो, भगवान एक ही। स्त्री रूप में भी वही है, प्रकाश रूप सूर्य रूप में भी वही है। अनेक रूप में ईश्वर का वर्णन करने का अर्थ यही है कि हम केवल रूप में ही फंसे न रह जाए, रूप से भी ऊपर जो अरूप है, जो सब रूपों में एक रूप है, उसको पहचाने, उस भगवान की एकता को पूर्णता को पहचाने। इसलिए भागवत में और विष्णु पुराण में कोई अंतर नहीं है, एक ही वस्तु के दो नाम है, बल्कि शक्ति पुराण और देवी पुराण और गणेश पुराण और सूर्य पुराण और शिव पुराण इनमें भी कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। उस पर कहीं गोरी पच्चीकारी है, कहीं काली पच्चीकारी है, पच्चीकारी में फर्क है, वस्तु में फर्क नहीं है, भाव कहीं
वो कथा आपने सुनी होगी, कोई सेठ जी थे, उनके घर में सोने के गणेश थे, सोने की मूर्ति बनी हुई थी गणेश की, और उनकी सेवा में सोने के ही चूल्हा जी भी थे, मूषक मूषक लाल, दोनों सोने के। सेठ जी की दशा बिगड़ी, एक दिन ये दशा हुई, बेच गए। बेचने के लिए जब बाजार पे गए तो जो वजन गणेश का वही चूहे का व्यापारी ने बताया, दोनों का दाम एक। उसने कहा ये कैसे होगा, ये हाथी ये चूहा ये साक्षात गणेश भगवान परमेश्वर और ये चूहा उनका वाहन, दोनों का एक मूल्य कैसे हो सकता है। तो भाई देखो, हम हाथी और चूहा नहीं जानते हैं, हम उस सोने को पहचानते हैं जो दोनों में एक है। तो असल में भगवान वो है जो विष्णु के रूप में और भगवान के रूप में कृष्ण के रूप में एक ही है, वही कृष्ण। कहीं चतुर्भुज है, वसुदेव के घर में पैदा हुए, चतुर्भुज भगवान पैदा हुए। गीता का उपदेश किया भगवान ने अर्जुन को, चतुर्भुज रूप में ही तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, चतुर्भुज रूप से ही उपदेश किया। तो ये सब तो बाहरी मेकअप है, असल में परमात्मा एक ही है और उस सब रूप में एक ही रहता है। सिद्धुरा पाठ में रक्त भी वध का क्या रहस्य है? रक्त बीज काम है, काम जैसे रक्त की बूंद बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, इसी प्रकार वासनाएं जो हैं वो वासना में से वासना ये कभी शांत नहीं होती है। इनको तो पूरी की पूरी वासनाओं का जो बंडल है, उनकी जो नदी है, उनका जो समुद्र है, वो सबको एक साथ चाट जाना पड़ता है। और वो महामाया, महामाया भगवती जो है वही इस रक्त बीज को चाट जाती है। इसलिए भगवती शक्ति महाशक्ति की शरण लिए बिना, जो कि सब एक एक ही है, विष्णु में ब्रह्मा में शिव में एक ही है, स्त्री रूप का नाम शक्ति नहीं है, शक्ति शक्ति है, वो स्त्री नहीं होती, वो पुरुष नहीं होती, वो जो महामाया महाशक्ति है परमात्मा की, वो माया इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये वही अनेक रूप में होते हैं, और वही बिना भगवान की शरण के बिना भगवान की शक्ति की सहायता के वो बस में नहीं होती है। जो झूठ मूठ अभिमान कर लेते हैं कि हमने अपनी वासनाओं को बस में कर दिया है, बल्कि वासनाओं को पूरी करने के लिए
अनेकों प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। सच्चाई ईमानदारी आना तो जीवन में बड़ा ही मुश्किल है। तो ये जो रक्त बीज है, काम रूप है, और इसको बिना भगवत शक्ति की सहायता के जीव जीत नहीं सकता। इस उपासना का उपासना के प्रकरण में जीव की शक्ति के साथ साथ भगवान के अनुग्रह की शक्ति भी चाहिए है, इसके लिए रक्त बीज का वर्णन किया हुआ है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही सब बसे हुए है, संत महात्मा भी वही है। तो आत्मा को दुरात्मा होने का क्या प्रयोजन है? तो दुरात्मा भी वही है, उसमें क्या बात है? आप दुरात्मा को भी आत्मा ही देखते ना। आपको किसने कह दिया कि दुरात्मा को आत्मा मत देखो? क्या सांप में आत्मा नहीं है, बिच्छू में आत्मा नहीं है? जो हंस में है, जो हाथी में है, जो गाय में है, वही सांप में भी है, वही जवले में भी है। लोग जिसको दुरात्मा कहते हैं उसको भी आप परमात्मा देखिए ना, कितना बढ़िया वो दृष्टिकोण होगा। जिसमें संसारी लोग जिसको दुरात्मा कहते हैं उसमें भी परमात्मा दिखे। सासु दूत हो जासुकी हरियाने प्रिया प्रिय नारी, हनुमान जी ने रावण से कहा मैं उनका दूत हूँ जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर के ले आए हैं। रावण में भी हनुमान जी को रामचंद्र का दर्शन होता है। जैसा है महाराज लीला में श्री कृष्ण के साथ राज करते हुए श्री राधा जी को मान क्यों हो और ठाकुर जी ने उनके मान को किस तरह दूर किया के कर रहे? देखो पहली बात तो ये है कि बड़े से बड़े साधक के जीवन में भी कभी मान का उदय हो जाता है, तो सावधान रहना चाहिए कि मान का उदय न हो। दूसरी बात यह कि मान होने से प्रेम का पता चलता है। जब वो मान करता है और बनाने वाला अपने को बहुत छोटा करके भी उसको मनाता है, तो असल में अपने को बड़ा मानने वाले में प्रेम नहीं होता है। जो अपने को जितना छोटा मानेगा उतना प्रेम उसके भीतर आएगा। जहां ये ख्याल होता है कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं पर सामने वाला प्रेम नहीं करता है, वहां प्रेम नहीं रहता है। जहां ये भाव होता है कि वे तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं परंतु मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, वहां प्रेम का उदय होता है। तो प्रेम मान के स्थान में प्रेम नहीं आता है। वो देखो श्री कृष्ण का प्रेम जो श्री राधा रानी के पांव छू करके भी
और उनको मनाता है, प्रसन्न करता है। कितने बड़े प्रेमी हैं भगवान। भगवान के उस प्रेम पर तो दृष्टि डालो कि वो तो पांव छू छू के अपने प्रेमियों को मनाना चाहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। श्रद्धा, प्रेम और सेवा। एक दिन श्री कृष्ण भगवान यहाँ दोपहर के समय कहीं गायों के पीछे पीछे निकले, कहीं जाके एकाएक खड़े हो गए, चुप लटक गए। अब सब लोगों ने दूर दूर से देखा कि क्या बात है, यहाँ कृष्ण धूप में खड़े क्यों है। मिलता सखी पहचान गई कि है कोई गड़बड़ यहाँ जरूर। जाके देखा तो वहाँ श्री प्रिया जी के चरणों के चिन्ह, तो प्रिया जी के चरणों के चिन्ह पर धूल पर धूप न लगे, धाम न लगे। इसके लिए ये प्रेमी का स्वरूप है कि प्रियतम, प्रियतम के चरण चिन्ह पर भी, धूल पर भी कहीं धूप न लगने पाए। प्रेमी वो होता है जो अपने प्रियतम को सब प्रकार से सुख पहुंचाना चाहता है। यदि दुरात्मा में भी आत्मा है और उसको भी आत्मा परमात्मा समझे, तो परमात्मा के बारे में तो हम लोग सबकी धारणा होती है कि परमात्मा आनंद रूप है, उसको पाके हम भी आनंद रूप हो जाएंगे। दुरात्मा तो रो रहा है, तो उसको परमात्मा मान के हमको क्या? बस बस उसको जब परमात्मा मान तब ये सब धारणाएं निर्मूल हो जाएंगे। सबके रूप में जगमय जितना है सब परमात्मा का सर्वविदा। वो तो जैसे कपड़े में धागा होता है, इस प्रकार सारी सृष्टि रूप वस्त्र में एक एक धागे के रूप में अहम कृष्ण जगता प्रभाव प्रवेश तथा मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मणिगणा। परमात्मा के तत्व के विचार की बात दूसरी है और हम क्या बने जा रहे हैं। हम दुरात्मा हो रहे हैं कि हम सदात्मा हो रहे हैं, ये प्रश्न दूसरी कक्षा का है। और सब परमात्मा है ये दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरी कक्षा का है। दोनों का कोई आपस में मेल नहीं है। ये खुद्दू रमजान के लिए नहीं है कि सभ्य परमात्मा को देखे। जब अंतकरण शुद्ध होता है, पूरे करते करते सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा होती है, तब सामने की वस्तु में परमात्मा का दर्शन होता है। पीपल के पेड़ में परमात्मा का दर्शन, तुलसी के पौधे में परमात्मा का दर्शन, बड़ में परमेश्वर का बट पूजा, गाय में हाथी में परमेश्वर की पूजा, ये कोई साधारण दृष्टिकोण थोड़ी है। ये तो बहुत उच्च कोटि का दृष्टिकोण है और ये
सबके जीवन में आ जाए, इसकी कोई संभावना भी नहीं है। और सबके लिए जैसे आजकल असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म कहा जाता है, उस प्रकार का ये असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म है भी नहीं। या और सब एक ही है, सब लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं और सभी लोग करते हैं, ये दृष्टिकोण नहीं है। ये बहुत ही ईमानदारी का उच्च कोटि का दृष्टिकोण है। बस वृत्ति माने होता है बर्ताव, हाथ दोनों जोड़ दिया तो उसका नाम प्रणाम हो गया, और भूसा बांध लिया मारने को तो उसका नाम प्रहार हो गया। हाथ तो बात ही है, उसका नाम प्रणाम रखो चाहे प्रहार रखो। इसलिए वृत्ति माने क्रिया, क्रिया के भेद से वस्तु में भेद नहीं होता। उंगली एक दिखा रहे हैं कि दो दिखा रहे हैं कि तीन दिखा रहे हैं, उससे हाथ अलग अलग नहीं हुआ, हाथ तो एक ही रहता है। उसी प्रकार एक ही चीज है, उसमें तरह तरह की वृत्ति, तरह तरह के मन, तरह तरह के जवाब आते रहते हैं। ये सब नाम तो रख लेते हैं कि ऐसा करे तो हृदय सिर झुका ले धरती पर तो उसका नाम हो जाता है नमांस, नमांसी, और हाथ जोड़ ले का नमस्कार। तो असल में नमांसी और नमस्कार में कोई फर्क नहीं है, नाम का ही फर्क है। कोई सिर झुका के करते हैं, कोई हाथ जोड़ के करते हैं, कोई दंडवत करके करते हैं। नाम का फर्क होने से चीज में फर्क नहीं होता, चीज एक ही है सब की सब, एक ही नहीं है एक ही है। ये बंटवारा तो बिल्कुल बनावटी है, ये मेरा ये तेरा, तो ये सांख्य और योग कहते हैं मेरा तेरा गलत है, मैं तू गलत है, ये शरीर मैं है ये शरीर तू है ये भी गलत है, और ये मेरा है ये तेरा है ये भी गलत है। एक ही है सब हर हालत में, ये जो नाम है उसको आप और कोई दूसरा भी रख सकते हैं। वैसे हृदय के चार भेद, चार वृत्ति, चार विशेष बताते हैं। देखो अभी हम बैठे ही हैं, मन में संकल्प हुआ कि बिहारी जी चले, तो जब संकल्प हुआ तो हमने
उसी चीज का नाम मन रख लिया। फिर मन में दुविधा हुई कि चले कि न चले, तो संशय हो गया। मन तो वही का वही है, नाम संशय हो गया। अब उसके बाद निश्चय हुआ कि चलेंगे, तो ये निश्चय हुआ कि नहीं चलेंगे। तो जिसमें संकल्प हुआ उसी में दुविधा हुई, उसी में निश्चय हुआ और उसी में चलने का अहंकार हुआ, मैं चल रहा हूं। और ये चारों चीज जिस एक गोलक में, एक बर्तन में, जैसे गोलक में पैसा रखते हैं, जिस एक गोलक में रखा हुआ है उसको चित्त कहते हैं। तो उसमें कभी कोई उभरता है और कभी कोई उभरता है, कभी संकल्प आता है तो कभी दुविधा आती है, तो कभी निश्चय होता है तो कभी अहंकार होता है। देखो मैं 3 बरस का था तो हमारे पेट में एक फोड़ा हुआ था। अब समझ लो कि इस बात को 74 वर्ष के लगभग 73-74 वर्ष हो गया। याद है हमारे मामा ने हमको दूध में रखा था और गांव में नाई ने उसको उस तरह से काटा था। बीच की कितनी बातें भूल गई लेकिन उसकी स्मृति अभी बनी हुई है। तो वो स्मृति कहाँ रहती है? अब उसका नाम आप हृदय रखिए। वृद्ध माने होता है वृद्ध कहो, आर्ध कहो, आर्थ कहो, जो बटोर के, जो स्मृतियों को बटोर के अपने भीतर रखता है और जिसमें से समय समय पर प्रकट होते, तो उसी को वृद्ध कहते हैं। आप नाम उसका अंग्रेजी में कोई दूसरा रखे, फारसी में दूसरा रखिए और रशियन में, चाइना में कुछ और रखिए, लेकिन वो स्मृतियों का, संस्कारों का एक पूज्य है जो मन में कभी कभी उभरता है और कभी कभी शांत हो जाता है। ईश्वर और धाम एक ही है या दोनों में भेद है? देखो भेद बनाओ तो बढ़ते जाते हैं। तुम्हें एक मित्र है वृंदावन में, क्या नाम है उसका, गाय वाला है, हाँ हाँ मरला है वहाँ पे। वो कहते हैं कि आप लोग तो वन में है, वन के विभाग में है वृंदावन में, और हम लोग महल में है। वृंदावन में भी 2 विभाग है, एक महल है और एक वन है। फिर कुंज होता है, फिर नित्य निकुंज होता है, फिर दुहित निकुंज होता है,
नाम बढ़ाते जाओ तो चाहे जितने नाम बढ़ाते जाओ उसका कहीं कोई अंत नहीं है। सबको मिलाकर सबके हृदय में एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं और किसी भी रूप में देख सकते हैं। एकता देखने से राग द्वेष कम होता है और भेद देखने से राग द्वेष बढ़ता है। देखो जब पहले पहले धरती बनी तो सबका नाम भारतवर्ष था। उस समय समुद्र के कारण टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे समुद्र ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब लोगों ने अलग नाम रखना सीखा, अलग नाम रखना शुरू कर दिया। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अमेरिका है, धरती वही की वही। फिर उसके बाद देखो एशिया में भी ये भारतवर्ष है, ये श्रीलंका है, ये बर्मा है, ये पाकिस्तान है, ये सब क्या है। जब बनना शुरू होता है तब हम लाठी मारने को तैयार होते हैं और जब बन जाता है तब संधि करते हैं, सुलह करते हैं। हमारे सामने तो आंध्र और तमिल का विभाजन हमारे सामने ही तो हुआ है ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने ही तो बना है ना। ऐसे ये सब टुकड़े बनते और बिगड़ते रहते हमारे दिल में टुकड़ा न बने। ये बाहर का टुकड़ा जब भीतर टुकड़ा बना देता है तब तो हमको तकलीफ होती है। कहां उत्तर है? आप हमसे उत्तर बैठे हैं कि दक्षिण बैठे हैं? मैं भीत से उत्तर बैठा हूं कि दक्षिण बैठा हूं? ये सब आदमियों ने अपनी अपनी बुद्धि की संकीर्णता या अवीर्णता के कारण बना लिया है। उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। वो तीर्थ कहते हैं जिसका सहारा लेकर मनुष्य तर जाए। तरने के लिए तीर्थ होता है जैसे दाव, उससे पार हुआ जाता है। और धाम वो होता है जहां जाके रहते हैं। इस अर्थ में संस्कृत में ये दो शब्द हैं। और अपने घर में पहुंच के रहने का नाम धाम है और रेलगाड़ी से जाने का नाम तीर्थ है। रेलगाड़ी तीर्थ है और अपना घर धाम है। ऐसे धाम माने रहने की जगह और तीर्थ माने
जाने का पहुंचने का साधन। महाराज जी, महापुरुष को सारे कष्ट क्यों देखने में आते हैं? कोई कोई बोलते हैं कि महापुरुष दूसरों का कष्ट स्वयं ले लेते, तो क्या महापुरुष अपना कष्ट दूसरों को दे भी सकते? देखो, ये सब भावुकता की बात है। न कोई किसी का कष्ट देखा है, न कोई किसी का कष्ट देखा है। जहाँ जैसा मसाला है, उस मसाले में वही चीज कभी कड़वी और कभी मीठी होती रहती है। आंवले को कभी खाया है तो बहुत कसैला, और कभी आराबों में डाल के पानी पिया है तो बहुत मीठा। तो ये जिसको हम लोग कष्ट कहते हैं, उसका नाम ही कष्ट रखा हुआ है। इस शरीर की रहनी ही ऐसी है, ऐसे ही है। यदि कच्ची दाल होती, अब तो रोज होती है तो ठीक है, स्मृत स्वस्थ है, और नहीं होती तो कहते कि बीमार है। अब टट्टी होना न होना तो शरीर का स्वभाव है, धर्म है। तो कभी उसमें पीड़ा होती है, कभी पीड़ा नहीं होती है। कष्ट नाम ही रखा जाता है कि ऐसा होना कष्ट है। तो जो लंगड़े लोग होते हैं, उनको लंगड़ा कैसे पुकारो तो बहुत नाराज होते हैं। जब पहले पहले लंगड़े होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, और जब बहुत दिन तक रह जाते हैं तो उनको लंगड़ापन ही अच्छा लगता है। चलो तुम्हारे पाँव से हमारा लंगड़ापन अच्छा है, हमारा दिल तो लंगड़ा नहीं है। तो ये सब अच्छाई बुराई जो है वो मान्यता है। शरीर शरीर ही होता है, वो चाहे महापुरुष का हो चाहे साधारण व्यक्ति का हो। असल में आदमी आदमी है, उसमें न कोई साधारण है न कोई असाधारण है, सब एक सरीखे हैं। और सभी के शरीर में खान पान परिधान अवस्था वय शक्ति वृत्ति, इनके अनुसार ये सब दर्द होते न होते रहते। जैसा है रहा है वैसा ठीक है, जैसा हो रहा है वो ठीक है। कोई कहे उस पर गर्म पानी डाल दो तो डाल दे, किसी ने कहा ठंडा डाल दो तो ठंडा डाल दे। बुखार आता है तो बर्फ का पानी सिर पर लगाते हैं, और पेट में दर्द होता है तो सेंकते हैं। तो कभी सेंक लिया और कभी बर्फ का पानी लगा लिया, ये तो प्रकृति का खेल है। उसमें कुछ भरा भरा बांधने का नहीं है। एक दिन एक पति पत्नी आए मेरे पास,
पत्नी के यहाँ गले पर पट्टी लगी हुई थी, थोड़ा सा कटा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी। तो मैं बेवकूफ, मैंने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ है, तो उसने अपने पति की ओर देखा और मुस्करा दिया। पूरा खेद खरीद गई, खरीद की करती थी। अब बताओ, चोट लगी है, पट्टी लगी है, और वो अपने पति पति की करतूत समझ कर मुस्करा रही है। एक बार जयपुर गए तो मैंने कहा कि हमको दिखाओ महारानियों के बारे में, तो तुम लोग जोर कैसे पहनते हो, साड़ी कैसे पहनते हो, तो 40 गज का लहंगा महाराज वो जो होता है, कौन सा कपड़ा होता है, मोटा मोटा मखमल मखमल का, और नाखून से लेकर के पांव के नाखून से लेकर के और सिर तक वो सोना और वो हीरा। मान लो 5 किलो वजन भी खुल रहा हो, 5 किलो नहीं था, ज्यादा है ना। और महाराणा जी को कह दिया जाता कि जरा इसको लेकर चलो, तो वो अपनी शान के खिलाफ समझते और जीवन होने पर उसको अपने सिर पर लेकर चलते। तो ये हम लोगों की जो रहनी है, हम देखते हैं जो लोग रावटी में रहते हैं, कोयले का काम करते हैं, लावटी में रहते हैं, खदान में रहते हैं, जो लोग नोडाव का काम करते हैं, ऐसे लकड़ी दिन के रोटी पका लेते हैं, तो खाते समय खूब हंसते हैं, खूब मौज में रहते हैं। आदमी मरता है तो कितना रोते हैं, हाय हाय छोड़ गया, एक आध बरस के बाद ही उसकी याद नहीं आती है, क्या हो जाता है। तो ये सब जो है ये मन की मान्यताएं है, इनमें कुछ भी तत्व नहीं है, चाहे हाय हाय करते हुए, चाहे हरी बोलो, चाहे हर बोलो, चाहे हरीब बोलो, चाहे रहीम बोलो, हरी बोलो, हर बोलो, रीम बोलो, रहीम बोलो, ये कहीं परमेश्वर के सत्य सद्गान है, कहीं इसमें भेद करने की गुंजाइश नहीं है। जितना दुख सुख है, भेद है, वो सब नासमझी है। राग द्वेष, राग द्वेष का अभाव आत्मदर्शन के लिए है कि व्यवहार के लिए, क्योंकि राग द्वेष के बिना जीवन स्वर की तरह हो जाएगा, और राग द्वेष का अत्यंत अभाव आत्म तत्व अधिष्ठान में है। आत्मा में तो कोई व्यवहार है ही नहीं, इसलिए कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें, क्या व्यवहार राग द्वेष के बिना चल सकता है? आपकी इतनी जानकारी है तो उसने हमारे बताने के लिए कोई कुछ ऐसे नहीं है। आप सब जानते हैं कि क्या व्यवहार में है और क्या परमार्थ में है, तो
राग माने होता है किसी के रंग में रंग जाना और द्वेष के माने होता है किसी चीज को देखकर जलने लगना। तो हमारा दिल किसकी याद आने पर, किसका नाम आने पर और मन विचक जाता है। और मैंने एक सब कुछ आज कर लिया कैसे है बोला बताओ, नाम लेने से कर दिया हूं तो ये भी जोड़ लिया जाता है। उसी से पहले बहुत मित्रता थी और हमने देखा लड़की लड़कों ने बड़े प्रेम से माँ बाप का विरोध करके, परिवार का विरोध करके आपस में शादी करी और लव मैरिज हुआ। पर दो बस भी नहीं हुआ, दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि अंत में मुकदमा हुआ, अंत में मुकदमा हुआ और वो तलाक हो गया। दो महीना नहीं, अभी तो एक घटना घटित हुई एक बड़े घराने में जो भारतवर्ष के बड़े से बड़े घरों में माने जाते हैं, उनके घर में लड़की की शादी हुई। शादी में मैं भी गया था इस तरीके से और दो महीना भी नहीं हुआ तलाक की दरखास्त कर रही तो यहाँ तलाक नहीं हो सकता था शायद कोई ऐसा कानून है तो उसके लिए कुछ समय चाहिए, तो उतना समय नहीं हुआ था तो ऐसी वजह नहीं थे। तो कहीं अमेरिका के किसी छोटे से देश में ऐसा कानून है तो वहां जाके लड़की वहां की नागरिक बनी, लड़का तो हिन्दुस्तान का ही है और चुपचाप तीन महीना चार महीना बीत गए और वहां पर दूसरे से शादी कर सके। क्या नाम है वो लड़के का? अभिजीत। अभिजीत, अभिजीत की अजिताभ अभिजीत, अभिजीत लड़के का नाम अभिजीत था। मेरे को बोलता हूँ अरे गांव कुछ गाँव भी देखने का तो एक तो अमिताभ तो है ही है, एक अमिताभ है, एक अजिताभ है, एक अभिजीत है। उनको नाम भूल गया है, आया तो दूसरी बार उतरा मेरे पास लेकिन नाम भूल गया है। शादी में गए थे हम लोग, बड़े प्रेम से शादी हुई थी। क्या है मन की क्या हालत है, किससे प्रेम करता है, किससे राग करता है, किससे द्वेष करता है। भैंस चाटे तो अच्छा लगता है और गाय चाटे तो भागते हैं ना। तो आप लोगों को अनुभव है कि नहीं? आपका जाना गाय चाटेगी तो चाम को ही छील के ले जाएगी, खून निकलने लगेगा। बहुत खुरदुरी जीव होती है गाय और भैंस की जीव इतनी चिकनी होती है कि जब वो चाटती है तो बहुत मजा है।
और कोई रोग हो जाता है तो कुत्ते को लाकर घाव पर थोड़ा सा मीठे मीठे कुछ लगा देते हैं और कुत्ते को चटवाते हैं तो रोग अच्छा हो जाता है। क्या 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 चीज दुनिया में बुरी है, क्या अच्छी है? अपने स्थान पर, अपनी जगह पर सब अच्छा है, अपनी जगह पर सब। रहस्य का कोई बात आप श्री कृष्ण मुखारविंद से चर्चा सुनी, उसको प्रतिपाद्य वस्तु क्या है महाराज जी? योग वासिष्ठ का जो प्रतिपाद्य है वही त्रिपुरा रहस्य का है, और आप मुझसे इतना सस्ता क्यों पूछ लेना चाहते हैं? थोड़ा परिश्रम करके, छोटी सी तो पुस्तक है, उसको पढ़ लीजिए। 10-10 पन्ने पढ़ेंगे तब भी एक महीने में पढ़ जाएंगे। उसका प्रतिपाद जो है आत्मा की अद्वितीयता, सब प्रपरूप ही है, यही उसका प्रतिपाद जो है। त्रिपुरा बारे तीरपुर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो तीन पुरी है, इन तीनों में जो एक चित्त शक्ति रहती है उसका नाम त्रिपुरा है, त्रिपुर सुंदरी है। स्त्री बोलना होता है तो त्रिपुरा बोलता है, और पुरुष बोलना होता है चित्त बोलते हैं, चित्त बोलो, चित्त शक्ति बोलो, एक ही चीज। तो वो प्रार्थना है कि भक्तों को सेवकों भी क्रोध क्यों आ जाता है? सच्चे सच्चे सेवक नहीं, यदि सच्चे सेवक होते तो क्रोध नहीं आता। असल में क्रोध जो है वो भी एक प्रकृति का धर्म है। जैसे समय पर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, जैसे वर्षा आती है, वैसे शरीर में मौसम आते हैं। कभी कभी सवेरे खून खौलने लगता है कि आज किसी पर क्रोध आ रहा है, कभी सवेरे शरीर में मन प्रसन्न सबके, आज सवेरे सही मन प्रसन्न है, आज कुछ बहुत आनंद की बात आने वाली। ये सारी प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के एक एक शरीर पर भी प्रसन्नता प्रभाव पड़ता है। इसमें अपने को सावधान रखना चाहिए, ये भी नहीं रहेगा, आवेगा जाएगा, आवेगा जाएगा। आज जिसको क्रोध होता है कल उस पर प्रसन्न होंगे, आज जिस पर प्रसन्न होते हैं उस पर कल क्रोध आ जाएगा। इस सृष्टि ऐसे इसी तरह से चलती है और इसी तरह से उसमें चलना पड़ता है। सबको क्रोध आता है जो व्यक्ति होता है, किसमें? विष्णु को भी काम आता है, ब्रह्मा को भी काम आता है, शंकर को भी काम आता है। शंकर बोलने के पीछे दौड़ते हैं, ब्रह्मा सरस्वती के पीछे दौड़ते हैं, विष्णु वृंदा के पास जाते हैं,
जहां तक ये व्यक्ति बना हो रहा है इसमें कभी जलन, जैसे शरीर के भीतर कभी जलन होती है, कभी ठंडक लगने लगती है, कभी कपकपी होने लगती है, तो कभी जल जाता है, ये सब विश्व प्रकृति है और ईश्वर के ही अनेक रूप है। इन सबका जब जैसा आ जाए उसका आनंद मिलना चाहिए। हाँ, काम को तो मार डाला उन्होंने, पर एक हद तक। कहाँ तक काम को मार सकते हैं? जहाँ तक विश्व नाम है सामने, मोहन बल के दुष्टों वाले सामने, तो फिर काम वाली नहीं रहे, काम के पत्र। जहाँ तक नाम रूप होता है, व्यक्ति है, एक टुकड़ा होता है, उसका असर पड़ता है। ऐसा कोई दुनिया में टुकड़ा नहीं हो सकता जो बेअसर हो, और जिस पर कोई असर नहीं पड़ता उसी को शास्त्र के लोग परमात्मा के। असर पड़े बिना किसी पर नहीं रहता, सब पर पड़ता। ये ब्रह्मांड नहीं था, प्रकृति नहीं थी, बस वैष्णव की भक्ति साधन है, साधन है। वो भक्ति वेदांत की जिज्ञासु के लिए कहाँ तक उपयोगी? वैष्णव की भक्ति एक हद तक साधन भी है, जहाँ तक वो प्रयत्न करके करते हैं, और साध्य भी है जहाँ तक भक्ति को पाना चाहते हैं। और असल में भक्ति भगवान का अनुग्रह है, स्वतः सिद्ध है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो भक्त न हो। भक्ति एक सहज वृत्ति है, अपनी सवेरे उठ के और जब बालों को संभालते हैं बड़े प्यार से, और आँख को पोंछते हैं, काजल लगाते हैं और वो गड्ढा मारते हैं। किसी का हाथ से प्रेम है, किसी के पांव से। भगवान लोग अपने शरीर के भक्त होते हैं, और वो जो अभिनय करने वाली स्त्रियां हैं वो अपने अभिनय को श्रवण को दो मतलब दो दो घंटे चार चार घंटे रोज अपने को रिवाज करने में लगाते हैं। वो गाना वो संगीत उनको उसी में मजा आता है, दूसरा को ज्यादा मजा नहीं आएगा तो डंडा मारेगा, सितारे कूद जाए। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार चलते हैं, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। वेदांत जिज्ञासु के लिए उपयोगी है, ईश्वर का भजन करे,
संसार से वैराग्य होगा, दुरात मालिक के सामने काम करेगा, मालिक के सामने काम करेगा तो दुराचार छूटेगा और बारम्बार भगवान का स्मरण आएगा। है सब चरित्र की शक्ति के लिए, तो जितना बखेरा है ये सब हमारे जीवन को प्रकृति के सहज रूप में रखने के लिए। क्रोध आता है तो आंख लाल हो जाती है, काम आता है तो उठते बिना होते जयपुर के जयपुर के बैठे, जयपुर के आचार का याद आती है तो जीत पर पानी आ जाता है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। बस राम 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 राम।